जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट जिला न्यायाधीश जो वैकेंसी है 2021, इसमें ईडब्ल्यूएस वालों को आरक्षण को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। हाई कोर्ट डी ग्रुप की और इसके अलावा एलडीसी, तीनों वैकेंसियों के बारे में डिटेल से यहाँ पर चर्चा करेंगे। कब इनका एग्ज़ाम होगा, ईडब्ल्यूएस वालों को छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इनके फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे, इससे पहले आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेके आ चुका हूँ। बहुत सारे मेरे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर हमें आरएस की तैयारी करना है तो हम कहाँ से करें। तो अनअकैडमी ऐप आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अनअकैडमी के ऊपर आरएस का नया बैच यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल साथियों, विजय यहाँ पर नया बैच 12 महीने का स्टार्ट हो रहा है। इसमें 21 जुलाई से बैच स्टार्ट होगा। पूरी अनुभवी टीम होगी, आरएस का संपूर्ण आपको सिलेबस कवर करवाया जाएगा, लाइव क्लास भी होगी। आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, रिकॉर्डेड आपको वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, पीडीएफ वगैरह सारी यहां पर नोट्स वगैरह आपको मिलने वाले हैं। यहां पर आपको अभी डिस्काउंट चल रहा है, यदि आप मेरा कोड राजपाल10 यदि आप यूज़ करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी यहां पर मिल जाएगा। तो अभी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश सेवरक भर्ती में ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर आरक्षण देने से मना कर दिया है, यानी इनका फॉर्म वापस रीओपन नहीं होगा। बड़ी अपडेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी ईडब्ल्यूएस वालों को कोई आयु सीमा में छूट नहीं दी गई है, नहीं इनके यहाँ पर आवेदन होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हाईकोर्ट डी ग्रुप का एग्ज़ाम है, इसके अलावा एलडीसी के हैं, इन दोनों एग्ज़ाम में भी किसी प्रकार का यहाँ पर फॉर्म रीओपन होने की कोई संभावना नहीं है और ईडब्ल्यूएस वालों को आरक्षण भी नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर जी न्यूज़ राजस्थान की तरफ से भी ऑफिशियल रूप से ट्वीट यहाँ पर आ चुका है, तो ये बड़ी अपडेट है यहाँ पर। और इनका जब एग्ज़ाम कब होगा सर, तो आपका एग्ज़ाम यहाँ पर फॉर्म वापस भरवाई नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर निश्चित है कि नवंबर और दिसंबर तक इनका एग्ज़ाम होने की भी संभावना है। तो यहाँ पर ये बड़ी अपडेट है। फिर भी यदि आगे कोई संशोधन होता है, जैसे मान लो डी ग्रुप वाला है, एलडीसी, उनमें यदि छूट मिलती है तो हम आपको निश्चित तौर पर सूचित करेंगे। धन्यवाद।